रिसिया रेलवे स्टेशन चौराहे पर एनडीए गठबंधन की ओर से नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने की खुशी पर भाजपाइयों ने जमकर गोले पटाखे दागे और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। सर, आज रिसिया में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, क्यों इकट्ठा हुई है, क्या? माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार शपथ लेने के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ खुशी का माहौल है। पूरी भाजपा एकदम शानदार प्रदर्शन से अपने पूरे देश में आज शपथ ग्रहण का समारोह उसी के उपलक्ष्य में हम लोग चौराहे पर आपस में मिष्ठान बांट करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी माननीय आनंद गौड़ जी है, जो की 64,500 वोटों से जीते हैं। भारी जीत हमारी जनता ने दिलाया है। इस हमारी मटेरा विधानसभा में कुछ हम लोग पीछे रह गए, लेकिन पूरी सभी पांचों विधानसभा मिलाकर के वहां से का विशेष योगदान रहा। कुल मिलाकर के हम लोग अच्छी मतों से जीते हैं और आशा करते हैं कि वो इस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। प्रत्याशी बढ़िया है, पढ़े लिखे हैं, संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और उनका क्षेत्र से परिचय भी है पूरी तरीके से। आशा है कि वो अच्छा काम करेंगे। क्षेत्र के लोगों के बारे में ये है कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी हमारे किसी भी बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को दिलाते हैं, सभी वर्गों को दिलाते हैं, आगे भी दिलाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि लोग मोदी जी को विश्वास करें, किसी भी तरीके के संविधान बदलने की जो अफवाहें थी उन सब चीजों से दूर हटे और आगे समर्थन बनाए रखे। धन्यवाद। हमारे बहराई लोकसभा क्षेत्र में माननीय जाकराम गौड़ जी जीते हैं चुनाव और आज माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं उसी की खुशी में लोग अपनी खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। तो क्षेत्र के लोगों के बारे में क्या? क्षेत्र के लोगों में पहले भी 10 साल वाली सरकार रही माननीय मोदी जी की, क्षेत्र के लोगों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये उनका नारा था और वैसे ही सरकार चलेगी। और जो हमारे सांसद हुए आनंद गौड़ जी, उनके पिताजी भी सांसद थे, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है और जो काम अधूरे रह गए हैं हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बगैर भेदभाव के हमारे सांसद जी उसको पूरा करेंगे। हे राम, दोबारा मत आना यहाँ, लखन हनुमान नहीं, 100 करोड़ इन मुर्दों में, अब बचे किसी में जान नहीं, भाईचारा के चक्कर में बहनों की इज्जत का मान नहीं, इतिहास थक गया रो रो कर, अब भगवा का अपमान नहीं, याद इन्हें अब बाबर की है, उस राणा का बलिदान नहीं, हल्दी घाटी सुनसान हुई अब चेतक का तूफान नहीं, हिंदू होने लगे दफन अब जलने की शमशान नहीं, विदेशी धर्म इन सब कुछ है, सनातन का सम्मान नहीं, हिंदू बढ़ गया जातियों में अब होगा यूं कल्याण नहीं, सूरों और भेड़ियों की आबादी का अनुमान नहीं, खतरे में है सिंह सावक इसका उनको कुछ ध्यान नहीं, चलो हो सनातन लज्जित है कुछ मिलता है प्रणाम नहीं, वीर सेवा की कूटनीत और राणा का अपमान नहीं, जो चुना दिया दीवारों में गुरुपुत्रों का सम्मान नहीं, हे राम दोबारा मत आना अब यहाँ लखन हनुमान नहीं, जय श्री राम जय श्री सीताराम। कृष्ण कुमार ग्रहरी भाटो मंडल अध्यक्ष और हमारे आनंद गौड़ भैया जीते हुए हैं लगभग 65,000 वोट से। इसके पहले इनके पिताजी अच्छे लाल जी जीते थे जो कि वो संघ के भी थे और इसके पहले कारागार मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, चरदा से विधायक रह चुके हैं, अगली बार अभी सांसद होते उनके लड़के आनंद गौड़ जी जो अभी हुए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया है भराइच का और हमारी जनता जो है सब खुश है और अब शाम 7:30 बजे हमारे यहाँ जो मोदी जी शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं उसी खुशी में हम लोग गोले दागे रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, सारी जनता यहाँ की बहुत खुश है। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।